हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो अपने कंटिन्यू राजस्थान का जो कल्चर था, कला व संस्कृति था, उसके ऊपर बात कर रहे थे। राजस्थान की कला व संस्कृति के ऊपर बात कर रहे थे, उसी कड़ी के अंदर चलते हैं। राजस्थान कला व संस्कृति, इसके ऊपर बात कर रहे थे। और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक उठाया था वो था मेले व त्योहार का। मेले व त्योहार के अंदर सबसे पहले हिंदू त्योहार शुरू किए थे। हिंदू त्योहार के अंदर भी बात करते तो उसमें भी सबसे पहले जो शुरू किए थे वो अपने चैत्र से लगे थे। चैत वैसाख, जेठ आषाढ़, सावन भाद्रपद, आश्विन आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौमा, फाल्गुन, और यहाँ तक अपने महीने करते करते हुए कल कार्तिक का महीना कंप्लीट कर लिया था। और पीछे का सारा आप पढ़ते रहना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। और आज अपने चलते हैं अपना जो महीना रहेगा, यानी कि कार्तिक के आगे महीना आता है कौन सा? मार्गशीर्ष का महीना आता है। कार्तिक के आगे कौन सा महीना आता है? मार्गशीर्ष का महीना आता है। इसी मार्गशीर्ष के महीने की आज अपने बात करेंगे। इसी की बात करते हैं, मार्गशीर्ष के महीने की खासियत तो क्या बता दूं इसके महीने की। सबसे पहले तो देखो, पौष का महीना और जो मार्क्सिस्ट का महीना है, इसमें कोई त्यौहार नहीं है। पौष के और मार्क्सिस्ट के महीने में कोई त्यौहार नहीं पड़ते। प्राचीन समय कोई काफ़ी घटना हो चुकी है तो यहाँ पे कोई मेले प्रसिद्ध देखा था, तो छोटी मोटी बात यहाँ से पढ़ लेंगे। मार्क्सिस्ट के महीने के अंदर सबसे पहले मैं इधर साइड में माउस की बात करता हूँ। यानी कि कृष्ण पक्ष में आती है, और कृष्ण पक्ष में जो अमावस आती है मार्गशीर्ष के महीने में, कृष्ण पक्ष की जो अमावस आती है, इस दिन एक मेला लगता है, उसे सुइया का मेला लगता है, कहा जाता है। कौन सा मेला? सुइया का मेला कहा जाता है, जो कहां पे लगता है? चौहट्टन। बाड़मेर में आपसे बेसिक सा पूछा जा सकता है, सुइया का मेला कहाँ पे लगता है? तो अब कह सकते हैं चौहट्टन, बाड़मेर में लगता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से महीने में लगता है? मार्गशीर्ष के महीने में लगता है। और कौन सी तिथि को लगता है? तो आप कह सकते हो मार्गशीर्ष के जो अमावस होते हैं उसी को सुइया का मेला लगता है। ठीक, आगे चलते। मार्गशीर्ष की अगर मैं इस साइड में बात करता हूँ, यानी कि शुक्ल की साइड में, मार्गशीर्ष के अगर मैं शुक्ल की साइड में बात करता हूँ, तो यहाँ भी कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल कॉमन से पूर्णिमा की बात करते हैं। इधर मार्गशीर्ष के महीने में बातें याद रखनी है तो अपने को दो तीन बातें याद रखनी है बस। अमावस की और पूर्णिमा की, एक साइड में तो अमावस की बातें याद रखनी है और एक साइड में पूर्णिमा की बातें याद रखनी है। अब कौन सी बातें याद रखनी है, सुनना ध्यान से। देखो, पूर्णिमा को जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा होती है, उस दिन एक मेला भरता है, मानगढ़ धाम का मेला। बांसवाड़ा में। अब बोलो सर ये कौन सा मेला, क्या चीज घटना थी? सुनना, देख, गोविंद गिरी जी के द्वारा, जब आप जनजातीय आंदोलन पढ़ते हो तो एक घटना होती है, वहाँ पे गुरु गोविंद जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया, जिसे भगत पंथ कहा गया। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे गुरु गोविंद सिंह, उनको लगा जो सारे हिंदू वर्ग है, इंग्लैंड के जो लोग आए थे, ब्रिटेन लोग, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में थे, हिंदू वर्ग सारा सारा उधर जा रहा था। सोचा भी हिंदू वर्ग में कुछ नहीं है, सारा उधर जाते हैं, धर्म को चेंज करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी इन हिंदू धर्म लोगों को
दूसरे धर्म यानी कि ईसाई धर्म में जाने से रोकने के लिए एक पंथ चले, से भगत पंथ कहा गया। अंग्रेजों का काम था भी कैसे ही करके अगर कोई ढंग का काम करे तो उसको रोकना, बीच में अड़चन पैदा करना। अंग्रेजों ने इन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक कोर का गठन कर दिया, सॉरी एक एमबीसी कोर बना दी, यानी कि इनको कंट्रोल करना है। जेसी ब्रुक ने 1841 के अंदर, जेसी ब्रुक के अंदर खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर जिसका मुख्यालय बनाया जाता है, उसका उद्देश्य था यहाँ पे कंट्रोल करे, बिलों को कंट्रोल करे। गोविंद गुरु कहाँ पे रुकने वाले थे? अगर उन्होंने कोर का गठन किया हमें कंट्रोल करने के लिए, तो इधर गुरु गोविंद गिरी जी ने 1883 में सिरोही के अंदर एक सभा का गठन कर दिया गया, जिसे संप सभा कहा गया, जिसका उद्देश्य था हम ज़्यादा पंगे नहीं करेंगे, अहिंसा वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ना लड़ाइयाँ करेंगे, ना आंदोलन करेंगे, हम तो एक भाईचारे की भावना के साथ में, एक बंधुत्व की भावना के साथ में, हम तो एक भाईचारा और एक बंधुत्व की भावना के साथ में बैठे रहेंगे। और बाद में अपना सबसे पहला अधिवेशन करते 1903 में, संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में होता है। लेकिन सभी को लगा अभी भी ये चुप रहने वाले नहीं है, जो ईसाई वर्ग है, इंग्लैंड के लोग थे अंग्रेज अधिकारी, अभी भी इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। इनको लगा यार अभी तो कैसे मानेंगे, ये कुछ तो करना पड़ेगा। और सारे के सारे भील इकट्ठे हो जाते हैं, सभी भील इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि देखो अपने वर्तमान में मानते हैं एकाग्रता में शक्ति नहीं है, लेकिन उस समय कोई चारा था तो एक ही चारा था, इकट्ठे होना। सभी के सभी भील कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? तारीख थी 17 नवंबर 1913, तारीख थी 17 नवंबर 1913। गांव का नाम था अंबाद्रा, पहाड़ी का नाम था मानगढ़ पहाड़ी, जिला था बांसवाड़ा। सभी बिल इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने पर 17 नवंबर 1913 को एमबीसी कोर के द्वारा इनके ऊपर गोलीबारी कर दी जाती है और 1500 बिल यहाँ पे मारे जाते हैं। 1500 बिल मारे जाते कब? 17 नवंबर 1913 को। और इसीलिए इसे कौन सा हत्याकांड कहा गया? मानगढ़ धाम हत्याकांड कहा गया। इसे कौन सा? मानगढ़ धाम हत्याकांड कहा गया। इसे मानगढ़ धाम हत्याकांड कहा गया, जो कितनी तारीख को हुआ? बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 में हुआ। कौन सा हत्याकांड? मानगढ़ धाम हत्याकांड, इसे ही कहा गया था। ठीक है, ये बेसिक बात आपको एमबीसी कोर की आपको पता होनी ही चाहिए। आगे चलो मैं तो, यहाँ पे जो मेला लगता है वो पूछेगा आपसे, मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है? तो मानगढ़ धाम का जो मेला लगता है वो 17 नवंबर 1913, यहाँ पे जो घटना थी पूर्णिमा के दिन लगता है, मार्गशीर्ष के महीने के अंदर लगता है। आपको बेसिक बातें यहाँ से, मेला मार्गशीर्ष के बारे में पता हो तो दो बातें याद करना, सुइया का मेला चौटन बाड़मेर में, मानगढ़ का मेला 17 नवंबर 1913 में, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, अंबाद्रा गांव में जो मेला पड़ता है उसे। मार्क्सिस के दो प्रमुख बातें आपको पढ़नी है, इसके अलावा मार्क्सिस के महीने की कोई आपको खास बातें नहीं पढ़नी, ठीक है? उसके आगे जो महीना आता है उसे पौष का महीना कहा जाता है, और पौष के महीने के अंदर भी कोई खास बात नहीं है, पौष के महीने के अंदर भी कोई इतनी ज्यादा खास बात नहीं है। तो पौष के महीने में एक बात लिख लेते हैं, पौष में कोई त्योहार नहीं, पौष में कोई भी त्योहार नहीं है, ठीक है? अगला जो महीना आता है उस महीने की बात करता हूं, तो उस महीने को कौन सा? माघ का महीना कहा जाता है। पौष के जो जो बाद महीना आता है उसे मास का घुस के माघ का महीना कहा जाता है। बेसिक सी बात है, उसे कौन सा महीना कहा जाता है? उसे माघ का महीना कहा जाता है। खासियत तो क्या है?
एक होता है, हाँ कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष में जो तीज आती है उसे तिल चौथ, या फिर शंकर चौथ कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में जो तीज आते हैं उसे तिल चौथ या फिर कौन सी चौथ के नाम से, उसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। तिलकुटी के व्रत किए जाते हैं इस दिन, और यहीं पे संकट चौथ का, चौथ माता का मेला लगता है। चौथ माता का मेला इसी दिन लगता है, तीज के दिन, यानी कि माघ कृष्ण तीज को एक मेला लगता है उसे। चौथ माता का मेला कहा जाता है। और वो कहाँ पे लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इसी दिन एक मेला भरता है। ठीक है, चौथ के बाद में जो 11 आती है जो सट किला एकादशी कहा जाता है। देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा योगिनी एकादशी का बात, ये देव उठनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी और देवसेनी एकादशी, सटकिला एकादशी, निर्जला ग्यारस का बात है, जौहर मेला कौन से एकादशी को लगता है, और बात करता हूँ और कौन सी ग्यारस होती है। और मैं तो इतने ग्यारस पढ़ती है, आपसे ये पूछा जाएगा इस ग्यारस को क्या खासियत होता है, तो आप बता सकते हो। सटकिला एकादशी का बात है, माँ कृष्ण के 11 को आती है, और उसके बाद में माँ की अमावस्या आती है, माँ की अमावस्या आती है जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। माँ की अमावस्या आती है उसे कौन से मौनी अमावस्या कहा जाता है, और इसी दिन की बात करता हूँ। मनुस्मृति के लेखक मनु का जन्म इसी दिन माना जाता है। जो मनुस्मृति पुस्तक है उसमें जो लेखक है मनु, और इनका जो जन्म की बात करता हूँ, तो वो मनु का जन्म भी कौन से दिन माना जाता है, तो मौनी अमावस्या के दिन माना जाता है। इधर मैं बात करता हूँ तो शुक्ल आ गया, इधर कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष शुरू होता है। इधर कौन सा पक्ष शुरू होता है? कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष की क्या खासियत है? पहले तो पंचमी, बसंत पंचमी आती है। कृष्ण पक्ष को कौन सी पंचमी आती है? बसंत पंचमी इसी दिन आती है। और इस दिन आपको मैं बता दूं, जो जब 10th की बात करते हैं, फिर 12th की बात करते हैं, 8th क्लास के अंदर राजस्थान के अंदर जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट लड़कियों को, उत्कृष्ट लड़कियों को गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार इस दिन वितरित किया जाता है। और बता दूं, इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। और आपको मैं बात बता दूं तो इसी दिन जो मुख्य रूप से कामदेव जो रतिदेव जो देवता है, कामदेव व रतिदेव, उनकी पूजा की जाती है। और इसी दिन
मिश्रित संप्रदाय के जो संत है चरणदास जी, चरणदास जी का मेला 20 दिन लगता है। चरणदास जी का मेला 20 दिन लगता है। अमावस का मौनिमावस्य मनुस्मृति के लेखक मनु का जन्म इस दिन होता है। बसंत पंचमी आती है। उत्कृष्ट लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पीले वस्त्र पहने जाते हैं। कामदेव हरिदेव को उनकी उनकी पूजा की जाती है और चरणदास जी का मेला भी इसी दिन लगता है। अच्छा, बसंत पंचमी के बाद में आती है माघ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा थी? उसे माघ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा सुनना, माघ पूर्णिमा के बारे में। देखो, माघ पूर्णिमा आपको पता ही है, तो माघ के महीने में आ रही है। इस दिन बहुत अच्छा एक मेला भरता है, वनेश्वर धाम का मेला। वनेश्वर धाम का मेला आप बोलोगे सर कहाँ पे भरता है ये बता दो। तो देखो, नवा टापुरा डूंगरपुर, नवा टापुरा, डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर वनेश्वर धाम का मेला पड़ता है। जी, क्या खासियत है इसकी, इस मेले की? तो इस मेले की क्या खासियत है सुनना। और जो वनेश्वर धाम का मेला, ये भरता किसका? संत माव जी का। संत मावजी का मेला बढ़ता है ये। वनेश्वर धाम का मेला किसका बढ़ता है? संत मावजी का मेला ये बढ़ता है। और बात करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। जो नवाटापुरा डूंगरपुर है, यहाँ पे तीन नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है, सोममही और जाखम का। तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, पवित्र स्थान पड़ता है। वनेश्वर धाम का मेला लगता है यहाँ पे संत माव जी, और इसे क्या कहा जाता है जो माघ पूर्णिमा का जो मेला भरता है, उसे बागड़ का पुष्कर। इसे बागड़ का पुष्कर, और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सिर्फ बागड़ का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और साथ ही इसी दिन खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर माघ के महीने में याद रखनी हो, तीन चार बातें याद रखना। माघ की साइड में बात करता हूँ तो तिल चौथ आता है 4 तारीख को। अच्छा, 11 को क्या होती है? 11 की बात करते हो, षटकिला एकादशी, चौथ का बरवाड़ा का मेला कहाँ पे? स्वाईमाधोपुर में। अमावस को मौनिमावस्या कहा जाता है, मनुस्मृति का जन्म। इधर बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, वनेश्वर धाम का माघ पूर्णिमा को कहाँ पे लगता है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर लगता है, जहाँ पे तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोमाई जाखम का। संत माव जी का यहाँ पे प्रमुख धाम पड़ता है, प्रमुख पीठ है। इसे बागड़ का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, और खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा मानी जाती है। देखो, पहले तो एक बात बता दूँ, राजस्थान में टोटल 5 त्रिवेणी संगम होते हैं। राजस्थान में, ये अलग से लिख देना भाई, राजस्थान में कुल 5 त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी यानी कि जहां पे तीन नदी आपस में मिलती हो,
जहां पर तीन नदी आपस में मिलते हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और राजस्थान में टोटल अगर मैं बात करता हूं तो पांच ही त्रिवेणी संगम होते हैं। ये पांच तो आप लिख ही लेना, एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा? एक तो सोम, माही और जाखम, जो अभी आपको मैंने बताया। ये तीनों नदियां कहां पे मिलती है? सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी, नवाटापुरा डूंगरपुर में, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर की तहसील पड़ती है नवाटापुरा। अच्छा, फिर मैं दूसरे की बात करता हूं। दूसरा बनास, बेडच, वेमेनाल। देखो बनास अकेली है, वो चार त्रिवेणी संगम बनाती है, और इन तीनों का त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? इन तीनों को होता है भिंगोद भीलवाड़ा में। तीसरा बनास खारी, तीनों का त्रिवेणी संगम कहां पे होता है? राजमहल टोंक में। चौथे की बात करता हूं, बनास मांडी और मानसी, देवदम जोधपुरिया टोंक में। और एक जो त्रिवेणी संगम होता है बनास संबल सीप का, रामेश्वर, सवाई माधोपुर के अंदर। टोटल कितने त्रिवेणी संगम होते हैं? टोटल पांच त्रिवेणी संगम होते हैं। और सबसे खासियत बात बता दूं, चार त्रिवेणी त्रिवेणी संगम एकमात्र नदी वो कौन सी बनाती है? बनास। और एक कौन सी बनाती है? माही। और इसी माही नदी पर, जिसे आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, बागड़ की गंगा जिसे कहा जाता है, जिसका उद्गम अमोरू की पहाड़ी से होता है, खांडू गांव से प्रवेश करती है, माही बाजाज सागर बांध इसी के ऊपर पड़ता है, कागदीपिका बांध इसी के ऊपर पड़ता है, भिखाबाई सागवाड़ा नहर यहीं से निकलती है, और गलियाकोट संप्रदाय भी यहीं पे पड़ता है, गुजरात का कंडाना बांध इसी के ऊपर पड़ता है। 536 की कुल लंबाई है, राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है और एक समान बहती है, उसे माही नदी कहा जाता है। ये एक ही बनाती है, बाकी अन्य कितने बनाती है? चार बनाती है। ये माघ माघ के महीने की आपकी बात होती है। और जो सबसे अंतिम महीना, उस महीने की बात करता हूँ, सबसे अंतिम महीना वो महीना आपका रहेगा कौन सा? फाल्गुन का महीना, जिसे आप कौन सा महीना कहते हो? फाल्गुन यानी कि फागण बोलते हो। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं। एक तो जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, एक जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। एक कृष्ण पक्ष कहा जाता है, एक शुक्ल पक्ष जिसे कहा जाता है। अपने फाल्गुन के महीने की बात कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष में मैं तेरस की बात करता हूं, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। आपसे बेसिक सा पूछा जाएगा, महाशिवरात्रि कब आती है? तो फाल्गुन के कृष्ण तेरस को कौन सी शिवरात्रि आती है? से महाशिवरात्रि कहा जाता है। फाल्गुन के कृष्ण की तेरस को कौन सी आती है? से महाशिवरात्रि कहा जाता है। यहां पे महाशिवरात्रि के दिन मेला बढ़ता है, दुश्मेश्वर महादेव का मेला। कहां पे? सिवाड़। सवाई माधोपुर में।
शिवाड़ स्वाई माधोपुर में महाशिवरात्रि को दुष्पेश्वर महादेव जी का मेला पड़ता है, ये बेसिक बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की बात करता हूँ, शुक्ल पक्ष में कोई खास नहीं है, एक तो दूज को फुलेरा दूज आती है, ग्यारस की बात करता हूँ तो खाटू श्याम जी का मेला सीकर में लगता है, और बात करता हूँ 15 को यानी कि पूर्णिमा को, जो फाल्गुन की पूर्णिमा होती है इसी दिन होली होती है, होलिका दहन जिसे कहा जाता है, लेकिन खेलने वाली कब होती है, अगले दिन होती है, इनके धुलंडी जिसे कहा जाता है, और धुलंडी कब आती है, फाल्गुन का अगला महीना कौन सा आ जाएगा जिसे पहला महीना कहेंगे, पहला महीना घूम कर कौन सा आ जाता है, तो चैत का महीना आ जाता है, चैत की कृष्ण की एकम कोई धुलंडी होती है, इस दिन होली खेली जाती है। देवर भाभी होली कहाँ की, ब्यावर की प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली कहाँ की, बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली कहाँ की, तो करौली की प्रसिद्ध है, पत्थरमार के सॉरी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, उसके बाद में बात करते हैं तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, करौली की प्रसिद्ध है, जन्म मरण प्रण की झांकियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध पड़ती है, नहाण महोत्सव इसी दिन किया जाता है, कहां का प्रसिद्ध है, सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है, ये बेसिक बातें आप सभी को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, ये आपके हिंदू त्योहार कंप्लीट होते हैं, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं सिंधियों के त्योहार पे, सिंधियों के यानी कि सिंधों के जो त्योहार होते हैं, सिंधु के उन त्योहारों के ऊपर मैं बात करता हूं। सुनना, सिखों के त्यौहार पे पहले बात कर लेता हूँ, सिंपल से है, एक स्लाइड के अंदर आपके सारे हो जाएंगे, ये बस हमारे ही ज़्यादा है थोड़े से, बाकी सभी थोड़े थोड़े हैं। सिखों के प्रमुख त्यौहार, एक तो गुरु नानक जयंती आता है, ये आता कब है, कार्तिक पूर्णिमा को आती है, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी के दो मेले लगते हैं, एक तो सावा चूरू में, और दूसरा लगता है कोलायत बीकानेर में। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पे एक ही दिन बड़ी मात्रा में हिंदू व सिख लोग इकट्ठे होते हैं, कोलायत बीकानेर। उसके बाद में बात करता हूं तो गुरु नानक जयंती के अलावा आती है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जयंती, एक अब बात ये गुरु गोविंद सिंह जयंती, तो इसकी बात करता हूं शुक्ल सप्तमी को, पौष शुक्ल सप्तमी में आती है, और गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में, गुरु गोविंद जी के बारे में बता देता हूं, तेरह अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन से पंथ चलाया था, खालसा पंथ चलाया था, जो कि मुगलों सेना के विरुद्ध में लड़ने के लिए चलाया गया एक पंथ कहलाता है, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, मैं और बातें करता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की, दो बातें, तो पहले तो सिंपल था, पहले ये याद रखना फिर और देखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है,
बाघ हत्याकांड। और बात करता हूँ मैं 13 अप्रैल 1919 के बारे में, तो 13 अप्रैल को वैसाखी होती है, और 13 जनवरी को बात करता हूँ लोहड़ी, और 14 को मकर संक्रांति होती है। ये सिखों के इतने से त्यौहार पड़ते हैं, सिखों के इतने से त्यौहार पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, दोबारा देख देते हैं। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को सावा चूरू में, कोलायत बीकानेर में। गुरु गोविंद सिंह जयंती, पोषुकल सप्तमी को, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ चलाया गया था। अच्छा, उसके अलावा बात करता हूँ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल वैसाखी के दिन होता है, ठीक है, 13 अप्रैल लोहड़ी मनाई, 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, और 14 जनवरी को कौन सी होती है, मकर संक्रांति होती है। ये आपके हिंदू त्यौहार यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, सिखों के त्यौहार कंप्लीट होते हैं। कल अपने मुसलमानों को, सिंधियों और जैनियों के कंप्लीट करके विधि विधान से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।